हमारे YouTube चैनल कुकिंग फ्रेंड। आज हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं आलू मटर चाट। तो दोस्तों, हमने ये तीन चार छोटे आलू ले लिए हैं, इनको बहुत छोटा छोटा पीस में काट लिया है। ये अभी कच्चा है और इस मटर को हमने रात में भिगा लिया था थोड़ा सा सोडा डाल के, और सुबह उबाल लिया है, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हम पहले गैस पर कढ़ाई रख देते हैं थोड़ा सा तेल डालकर। दोस्तों देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम पहले थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। दो चार दाने राई के डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी कटी हुई प्याज। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। दोस्तों तो हम धीमी आंच पे ही पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा आधी चम्मच नमक डाल के इसको ढक देंगे 10-5 मिनट में, ताकि आलू हमारा पक जाए। देखिए आलू हमारा पक गया है लगभग। इसको आप बीच बीच में चला दीजिएगा ताकि जल ना जाए नीचे से। इसको हम 1 मिनट और ढक के रखेंगे। देखिए आलू हमारा पक गया है। इसमें हम अपना मटर डाल देंगे। धनिया डाल देंगे 1 चम्मच। कटोरी में डाल लिया है। इसमें चलिए इसको थोड़ा सा और चटपटा कर लेते हैं। इसमें 1 चम्मच हम चाट मसाला डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज ऊपर से डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। एक चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारी आलू मटर चाट तैयार है। अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी आलू चाट मटर चाट रेसिपी पसंद आई है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट।